मल्टीरूम फूड की चुनौती में जोरदार टक्कर होने वाली है, जहां हमारे प्रतियोगियों को अलग अलग गति में अपने स्वादिष्ट ट्रीट को खाना होगा। कोई रॉकेट की तरह तेज खाएगा तो कोई कछुए की तरह धीरे। उफ, मैं धीरे नहीं करना चाहती हूँ और मैं तेज गति चाहती हूँ। वाह, मैं इससे खुश हूँ। वाह, मुझे सामान्य गति मिली है, मुझे लगता है ये एकदम सही है। वाह, देखो मुझे बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम मिली है। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रीट से बढ़िया कुछ और हो सकता है, पर मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ यह सब सोचने में। चम्मच तैयार है, हर बाइट का स्वाद लेना है मुझे। मैं इस आइसक्रीम को खाने के लिए काफी उत्सुक हूँ, पर अब तुम्हें देखकर मैं इसे तुरंत खा लेना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक आइडिया भी है इस आइसक्रीम की जल्दी से खाने के लिए। कैसे? मैं इस डब्बे से आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, बल्कि इसे डब्बे से बाहर निकालकर इसे पॉपसिकल की तरह बनाकर खाऊंगी। ये काफी अच्छा लग रहा है। वाह, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। हाँ, मुझे पता है कि ये अच्छा है। मुझे धन्यवाद दो। लग रहा है आइसक्रीम ज्यादा हो गई है। नहीं, मैं ठीक हूँ, खाना जारी रखती हूँ। खैर, अगर तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है तो अब मेरी बारी है। मैं तुम लोगों का जब इंतजार कर रही थी तब तक मेरी आइसक्रीम थोड़ी पिघल गई है, लेकिन इससे इसका स्वाद कम नहीं हो जाएगा। क्या कहा तुमने, पिघल गई? फिर मुझे एक तरीका पता है, मैं तुम्हारी आइसक्रीम का मजा कैसे ले सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस एक लंबी स्ट्रॉ की जरूरत है। कितना स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। अरे, मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? जेस, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरी गलती नहीं है। मुझे तरबूज बहुत पसंद है। हाँ, ये सभी को पसंद होता है, पर अफसोस की बात है कि मुझे जल्दी से खाना होगा। हाँ, तरबूज को धीरे धीरे मजे लेकर खाना ही अच्छा होता है। वैसे मैं पहले खाना चाहती हूँ, अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो मैं शुरू करूँ। हाँ, शुरू करो। बहुत बढ़िया, पर पहले मुझे इन बीज से छुटकारा पाना होगा। मेरा तो यह कहना है कि सभी तरबूज को बिना बीज के होना चाहिए। हाँ, इस बात में दम है, आखिर बीज कौन खाता है। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं इनको निकाल रही हूँ। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो, मुझे नींद आ रही है। मेरा हो गया, तुम सोओ मत। तुम लोग मुझे इस स्वादिष्ट तरबूज को खाते हुए देख सकते हो। यह कमाल का है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कितना समय लगा रही है। अब शिकायत बंद कर रहा हूँ, मेरा हो गया है। जैक, अब तुम्हारी बारी है। ये मैं अपने तरबूज के साथ कुछ समारोह करना नहीं चाहता, मैं बस इसे टुकड़ों में काट कर जल्दी से खा लेना चाहता हूँ। तुम जिस तरह से खा रहे हो ना, देखकर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या इसका स्वाद अच्छा है? अद्भुत, हर टुकड़ा जादुई स्वाद से भरा हुआ है। बिल्कुल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं जैक को खाते हुए देखकर थक गई हूँ, मैं भी जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। और यह, वाह, ये अच्छे से काम किया, मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं बेहतर। अब तुम खुश हो ना? अब तुम अपने बेकार तरबूज को खाओ मेरी। सच में? ये? Okay. तुम छिलकों को क्यों काट रही हो? ये गंदा लग रहा है। ध्यान से करो, तरबूज के टुकड़े सीधे हमारे ओर उड़कर आ रहे हैं। थोड़ा ठीक से करो। तुम दोनों किस बात पर चिल्ला रहे हो? मैं बस अभी खा रही थी, वैसे वो बहुत स्वादिष्ट था। वाह, न्यूटेला की एक पूरी जार, पर मैं इसे कैसे खाऊं? मुझे पता है आमतौर पर न्यूटेला कैसे खाते हैं। हाँ, टोस्ट के साथ, इसलिए अभी मुझे इसकी ही जरूरत थी। देखो और कोशिश करो कि तुम्हें मुझसे जलन ना हो। गर्म टोस्ट को इस तरह से खाने से ज्यादा स्वादिष्ट और कुछ नहीं होता है। और इसके साथ अगर कॉफी होता तो और भी बढ़िया होता, पर उसके बिना भी सब कुछ अच्छा है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे यहाँ टोस्टर ले सकती हूँ? मुझे इसकी सच में जरूरत है। वाह, मेरे लिए एक टोस्ट तैयार भी हो गया, ये सीधे मेरे मुंह में जाएगा। अब मैं अपना न्यूटेला खोलती हूँ।
करने की क्या जरूरत है जब इसे सीधे मुंह में डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसा करने के बारे में कभी सोचा क्यों नहीं था। यह तो दिलचस्प आइडिया है। बेशक, तुमने क्या सोचा था, मैं जीनियस हूँ। एमा, अब यह टोस्टर तुम्हारा है। मुझे वास्तव में और न्यूटेला चाहिए। वैसे यह जार मेरी है, तुमने अपना पहले ही खा लिया है, इसलिए दूर रहो, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। यह तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। यह धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या तुम्हें कुछ जलने की बदबू आ रही है? हाँ, कहीं आग लगी है, लगता है कहीं नजदीक ही। टोस्टर, यह धुआं टोस्टर से आ रहा है। ओ, लगता है मेरा टोस्ट कुछ ज्यादा ही पक गया है। एमा, डरो मत, मैं तुम्हें इस आग से बचाऊंगी। यह तुमने क्या किया? मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जल रही थी। खैर, अब तो बिल्कुल भी नहीं जलोगी। नहीं, नींबू नहीं, ये बहुत खट्टे होते हैं, इसे कोई पसंद नहीं करता है। मिस्टर डेयर डेविल जैक इसे पहले खाएगा। मैं ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि इतने खट्टे से मुझे उल्टी ना आए। ये बहुत खराब है। ओह, इसे मेरा पूरा चेहरा ही टेढ़ा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, ये भयानक है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे नींबू के टुकड़े हैं। आखिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? हाँ, जैक के लिए मुश्किल भरा समय है और हम लोग इंतजार करके बोर हो रहे हैं। बस हो गया, मैंने कर लिया, ये अब तक की सबसे खराब चीज थी। शाबाश, अच्छे से किया। मोनिका, अब तुम्हारी बारी है इस नींबू के मजे लेने का। मेरी बारी आ भी गई। ठीक है, असल में मेरे पास एक आइडिया है इस नींबू को कम खट्टा कैसे बनाया जाए। मुझे बस इस पर मीठा सिरप डालना होगा, फिर मुझे इसका खट्टा स्वाद उतना नहीं आएगा। मैंने कहा था ना, ये बहुत बेहतर है। अब नींबू उतना खट्टा नहीं है। यह सही नहीं है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि मोनिका को टबैस्को का स्वाद पसंद आएगा। चलो देखता हूँ कि तुम इसे कैसे संभालती हो। ये तीखा है, मैं जल रही हूँ। आग, बचाओ। Oh my God. मेरे सिरप ने मुझे फिर से बचा लिया। मैरी, अब बस तुम ही बची हो, मुझे पता है, और मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकती हूँ, क्योंकि मैं बहादुर और मजबूत हूँ। क्या तुम लोगों ने देखा कि मेरे पास कैसे मसल्स हैं? हाँ, मैं तुरंत इस नींबू को निचोड़ दूंगी, बिना ज्यादा प्रयास के भी सभी रस निकाल दूंगी। देखो और सीखो। यह स्वादिष्ट होगा। मुझे लगता है कि मैंने शायद जल्दी ही बोल दिया। दोस्तों, क्या तुम लोग देख रही हो कि इस दौर में हमें क्या मिला है? बहुत सारे हवा बाबा बबल गम, बहुत बढ़िया। अच्छा है, पर हमें इस रैपर से छुटकारा पाना होगा। अब हम इन्हें शांति से चबा सकते हैं। यह बबल गम बहुत ही नरम और स्वादिष्ट है। क्या तुम जानती हो कि नरम गम इतने अच्छे क्यों होते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इससे सबसे अच्छे बबल बनते हैं। वाह, बुरा नहीं है। जैस, कैसा रहेगा अगर इसे माप कर देखें? देखो, ये बहुत अच्छा है। अब तक ये जीत का दावेदार है। मैं कुछ ही समय में एक बड़ा बबल बना सकती हूँ। बस गम को अच्छे से चबाने की जरूरत है। बस इसे धीरे धीरे करना है, पूरा समय लगाकर। इतना धीरे? कम से कम थोड़ा तेज किया जा सकता है। ध्यान से देखो, मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, चलो इसका साइज नापते हैं। नहीं, यह जैस के बबल से छोटा है। दुर्भाग्य से आज एमा हार गई है। खैर, जो भी हो, यह गम अभी भी स्वादिष्ट है। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असली बबल किसे कहते हैं। तुम लोग एक बार में एक गम खा रहे थे, मैं एक बार में सारे गम खाऊंगी, तुम हैरान रह जाओगी। क्या तुम लोग तैयार हो? ये बहुत बड़ा हो रहा है, ये फटने वाला है।
मैं कह रही हूँ रुक जाओ। उप्स, अब मैं पूरी तरह से गम में ढकी हुई हूँ, पर मैं तुम लोगों को दिखा दिया है कि असली बबल कैसा होता है। हमारे जरा देखो तो कितनी मिर्च है। Oh my God! मुझे तीखे से नफरत है। चलो पता लगाती कि किसे कौन सा हिस्सा मिलेगा। Please. मैं मिर्च को बिल्कुल भी छूना नहीं चाहूंगी। अरे वाह, ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैंने लकी कार्ड निकाला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे बुरा और कुछ नहीं सोचा जा सकता है। अच्छा, कम से कम मेरा हिस्सा छोटा होगा, यह सोचकर अच्छा लग रहा है। वो सब तुम्हारे लिए है मैरी, तुम सब खा सकती हो। हमें तुम्हारी किसी बात से ऐतराज नहीं है। तुम क्या कर रही हो, इसे रोको। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो किस्मत ने तय किया है। असल में एक मिर्च एमा के लिए भी है। अगर तुम इसके बारे में भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मैरी, मैं तुम्हें इसे देना पसंद करूँगी। लग रहा है कि सब कुछ इतना बुरा नहीं है, यह मिर्च खाने लायक है। लेकिन यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? अभी हीटिंग बंद करो और मुझे थोड़ा पानी दो प्लीज, मैं जल रही हूँ। मैंने भाप निकलने दिया और ये थोड़ा आसान हो गया। बेचारी, उसने काफी बर्दाश्त किया। मैं ठीक हूँ, मैं फिर से सांस भी ले पा रही हूँ। बस आज के लिए बहुत मिर्च हो गया। मैरी, अब तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाने की बारी है। हमें तुम पर विश्वास है। क्या कोई उपाय है जो मुझे खाना ना पड़े? प्लीज, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती, मैंने मना कर दिया। यह नियमों के खिलाफ है मैरी, इतने से काम नहीं चलेगा। चलो हिम्मत बटोरो और अपना मुंह खोलो। एमा, जल्दी से मिर्च डाल दो, मैं उसे ले आई हूँ। बस हो गया, बहुत बढ़िया। देखो यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे जाने दो, मैं इसे नहीं खाने वाली। तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इतना नाटक नहीं करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि तुम सही कह रही हो, यह मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है। अरे नहीं, मेरे पेट में कुछ गड़गड़ाहट हो रही है। बचाओ, आग लग गई है। शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो और गहरी सांस लो। यह मदद नहीं कर रहा है, बस मुझे थोड़ा पानी दो। क्या तुम पानी नहीं दोगी? तब फिर मैं खुद रसोई में जाऊंगी, या इससे बेहतर कहीं दूर कुछ हवा लेने के लिए। मुझे तत्काल भाप छोड़ने की जरूरत है, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। मैरी, अपनी सीट पर वापस आओ, तुम सब कुछ गिरा दोगी। इसे रोको, रोको। तुम्हारी इधर उधर भागते देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। बस मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। आखिरकार यह खत्म हुआ। सॉस के साथ कॉर्न डॉग बहुत अच्छे हैं। यह केचप है, मुझे ये बहुत पसंद है। ओके, चलो कार्ड लेते हैं। यह पता लगाने का समय आ गया है कि स्वादिष्ट किसे मिलता है। बहुत अच्छा, मुझे बड़ा हिस्सा मिल रहा है। खैर, मैं टुकड़ों का स्वाद भी नहीं ले पाऊंगी। मेरे पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है, सिर्फ एक कॉर्न डॉग। चलो आगे बढ़ो, मुझे सभी कॉर्न डॉग चाहिए। ले लो एमा। अरे मैं तो लगभग भूल ही गई थी, मुझे तुम्हें एक देना है लिली। धन्यवाद एमा, मैं इसे तुरंत खाऊंगी। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ओह, कितना रबड़ जैसा है, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट है। अंदर बहुत सारा चीज है। यह कितने अच्छे से स्ट्रेच हुआ है, स्वादिष्ट लग रहा है। काश मैं खा पाती। सच में बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें पसंद आएगा। देखो अंदर एक सॉसेज है। वाह, बढ़िया सरप्राइज है। और मुझे तो इसकी फीलिंग बहुत पसंद आ रही है, और सॉस के साथ ये मस्त है। तुम इसे मुझे भी दे सकती थी लिली। अब इन कॉर्नडॉग को खाने की बारी मेरी है। क्या तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो एमा? ओ नहीं, इसके बारे में सपने भी मत सोचो। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं किसी को भी एक टुकड़ा नहीं दूंगी। मैंने तुमसे कहा था, तुम सही थी लिली, ये दुनिया का सबसे अच्छा डिश है। क्या भूख है, मेरी राय में वो एक पूरा हाथी खा सकती है। तारीफ के लिए धन्यवाद मैरी, इसलिए बेहतर है कि भूख लगने पर भी मेरी ओर ना देखा करो। क्या तुम इन स्टिक्स को हम पर फेंकना बंद कर सकती हो? इससे चोट लग रही है। बस बहुत हो गया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी एमा, मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। मैं तुम्हारे लिए कॉर्न डॉग लाऊंगी, जो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा। तुम कहाँ गई थी मैरी? तुम्हें अभी सब समझ आ जाएगा। एमा, मैं तुम्हारे लिए और लेकर आई हूँ। अरे वाह, धन्यवाद, तुम एक सच्ची दोस्त हो।
यह क्या है? यह कॉर्न डॉग की तरह बिल्कुल नहीं है। शायद इसलिए कि यह एक रीड है। बहुत मस्त योजना थी मैरी। देखो कितनी सुंदर है। हम खेल सकते हैं। हाँ, हल्के बादलों की तरह है। कितना मजेदार। चलो जल्दी से कार्ड छांट ले। वाह, तेज गति। खैर मेरे पास धीमा है। लगता है सूजी सबसे भाग्यशाली थी। हमें ऐसे ही सामान्य गति से खाना होगा। हालांकि मैं इस नूडल्स को उछालने और कुछ सेकंड में इसे खत्म करने से इनकार नहीं करती। अच्छा स्वाद, लेकिन मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। ज्यादा शिकायत मत करो मैरी। ये मेरी गलती नहीं है कि किस्मत मुझ पर मुस्कुराई। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। नूडल्स को पिज्जा ब्रेड में लपेट कर बहुत जल्दी खा सकते हैं। बरीटो जैसा कुछ। मुझे यह पसंद है। इसमें कौन शक करेगा, तुम हर चीज से हमेशा खुश रहती हो और ये बहुत गुस्सा दिलाता है। सूजी तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। केट मुझे तुम्हारी मदद करने दो। धन्यवाद मैरी। मुझे डर है कि सब खाने में मुझे बहुत समय लगेगा। वाह कितना लंबा नूडल है। बहुत बढ़िया। सच कहूँ तो मेरा जबड़ा पहले ही थक चुका है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो केट? असल में हमारे सामने एक अलग चुनौती है। वो बहुत अजीब है। केट हाय, तुम यहाँ कैसे पहुँची? बुरा मत मानना, मुझे सिर्फ अपने नूडल्स खाने हैं। असल में तुम हमें परेशान कर रही हो। कभी कभी वो असहनीय हो सकती है। वह नूडल्स आखिर कब खत्म होंगे? मुझे पता था कि आगे बढ़ेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना लंबा होगा। मैं यहाँ कहाँ पहुँच गई? ये एक डस्टबिन है। छी, कितना घिनौना। मैं कैसे धोखा खा गई? जरूर यह उन लड़कियों का काम है। हाय केट, हम तो तुम्हें भूल ही गए थे। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मैरी, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये नूडल्स तुम्हारे हैं। क्या ट्विस्ट है? केट सावधान रहना, तुमसे बदला लिया जाएगा। मैं नहीं डरती। आओ देखें किस बार हमारे पास क्या है। मेरी राय में सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं सहमत हूँ, आखिरकार मुझे तेज गति मिली है। इस स्वादिष्ट केक को देखो। मैंने एक टुकड़ा ले लिया है। कितनी अच्छी खुशबू है, मैं रुक नहीं सकती। नारियल क्रीम मेरा फेवरेट है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी करो सूजी, हम भी जल्द से जल्द अपना केक खाना चाहते हैं। शायद हम इंतजार नहीं करेंगे। तुम सही हो मैरी, चलो अभी शुरू करते हैं। मैं सीधे अपने मुंह से केक में डुबकी लगाने के लिए तैयार हूँ। यह हिम्मत का काम है केट, तुम गंदी हो जाओगी। उसे उसकी परवाह नहीं है, हालांकि यह अच्छा नहीं लग रहा है। वह तो क्या, ये मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट है। मेरा कहना है कि उसे परेशान ना करें, उसे देखकर डर लग रहा है। बस हो गया, मैंने जल्दी से अपना केक खा लिया। तो बस मैं ही रह गई हूँ। कितनी क्रीम। मैं इसके मजे बहुत देर तक लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे खाऊंगी। तुम्हें पता है मुझे ये बहुत पसंद है। कुछ ऐसे पल होते हैं जिसे हम कभी नहीं खोना चाहते हैं। हम इसे नहीं समझते मैरी, माफ करना। अफसोस है कि तुम्हें ये सब समझ नहीं आता। अरे मेरा केक कहाँ गया? और मैंने एक टुकड़ा लेने का फैसला किया। हाँ हमें लगा तुम बुरा नहीं मानोगी। यह सही नहीं है। एक नया दौर, औसत गति से खाना होगा। और मैं तेज। अच्छा है। खैर मैं फिर से घोंगे की तरह रेंगने जा रही हूँ। इस बार हमारा खाना कैसा लगा? सच कहूँ तो मुझे ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं है। यह गोभी मुझे दुखी करता है। ये कितना घिनौना है। लगता है कि सूजी को पौष्टिक खाना पसंद नहीं है। मैं उसे समझ सकती हूँ, मुझे ब्रोकली से नफरत है। ठीक है चलो ऐसा सोचते हैं कि यह कुछ स्वादिष्ट है, जैसे कि कोई केक। मुझे खाने के लिए शुभकामना दो। केट, तो क्या तुम बहुत देर तक ब्रोकली काटने जा रही हो? उसे मत छुओ मैरी, उसे खुद इसका पता लगाने दो। सूजी सही कह रही है, मुझे पता है क्या करना है। देखो कितना प्यारा निकला। लेकिन यह अभी भी ब्रोकली है, स्वाद नहीं बदला होगा। मुझे लगता है कि अगर इस पर चीज सॉस डालते हैं तो यह बेहतर होगा। मेरी राय में यह बहुत सुंदर है। इसे देखकर खाने का मन हो गया। मुझे चीज सॉस से ऐतराज नहीं होगा, मुझे वो पसंद है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं खाने के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, तुमने विश्वास नहीं किया। आशा है कि सॉस ने गोभी के स्वाद में सुधार किया है। चखती हूँ।
अभी भी एकदम बेकार है। बस हो गया, मैंने काफी खा लिया है। मैं अब और नहीं चाहती, बल्कि मैं सॉस खाऊंगी। ये इस भयानक स्वाद को खत्म करने में मदद करेगा। वैसे अब मैं ब्रोकली बिल्कुल नहीं खाना चाहती, लेकिन मुझे पता है कि इसे जल्द से जल्द कैसे खत्म किया जाए। एक स्ट्रॉ की सहायता से छोटे टुकड़ों को सक करना आसान होगा। वाह, तुम एक असली वैक्यूम क्लीनर की तरह हो मैरी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सूजी, मुझे सरप्राइज करना आता है। अरे नहीं, अब मेरा मुंह गोभी से भर गया है। माफ करना, मैं ये सब निगल नहीं सकी। कोई बात नहीं मैरी, खैर हम जितना कर सकते थे हमने किया। आप किस गति में खाना पसंद करते हैं, तेज या धीमा, हमें कमेंट्स में बताएं। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, एक नई चुनौती के साथ जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।